वेलकम बैक टू नोदर व्लॉग एवरीवन। आज है संडे और आज लास्ट वाला व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अभी हम है देहरादून में, यहाँ पे एक कोई मशहूर सा पॉइंट है, वहाँ पे जा रहे हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो चलते हैं। ओके okay? Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working now, maybe. बात करना पड़ेगा ये। अभी यहाँ पे करते हैं ब्रेकफास्ट। हम जा रहे हैं माल देवता पे। मालदेव तब जाएंगे, वहाँ का दिखाता हूँ आप लोगों को पॉइंट। अभी आ गया हम यहाँ पे रेस्टोरेंट पे, आपने देखा होगा। और अभी यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, सुबह से कुछ नहीं खाया, 12 बज गए। और उसके बाद फिर हम जाएंगे यहाँ पे कुछ माल देवता करके है, माल दिवस देवता, वहाँ पे कोई झरना है अच्छा सा। और ये देहरादून में ही है, देहरादून से 10-12 किलोमीटर है शायद। और उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, वहाँ इन्जॉय करेंगे। हम होटल में भी नहाए इस बात की मारे कि वहाँ पे जाके भी नहाना पड़ सकता है, इसलिए हम होटल में नहाए। कि सोचा वहीं जाके नहाएंगे, वहीं पे जाके कपड़े चेंज करेंगे। और रात को कल बहुत ही ज़्यादा लेट रूम मिला था हमें, और इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाया। पूरा सैटरडे नाइट थी ना कल, तो पूरा देहरादून मंसूरी फुल भरा हुआ है। वीकेंड था ना, तो फुल भरा हुआ है, उसकी वजह से कहीं पर भी रूम नहीं मिला। एक रूम मिला, वो भी बहुत देर, कम से कम 2-3 घंटे ढूंढने के बाद एक रूम मिला। वहाँ पर फिर हम रुके, और इतनी थकावट हो गई थी, मैंने जल्दी से एडिटिंग करी रात को और वो व्लॉग डाला, और कुछ कर ही नहीं पाया। ठीक है, तो चले चलते हैं, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं सीधा आपको वहाँ रास्ते में। यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। क्या ऑर्डर? चोल है क्या? दिखा, फुल बारिश हो रही है। यही जुनून चाहिए मुझे अपने देश के, आने वाली पीढ़ी से अपने देश के प्रति प्यार। ये देखो बारिश हो रही है अभी पहाड़ों में। हम ये देहरादून में, मैं जहाँ पे होटल में था ना, वहाँ से मुझे ये दिखा बच्चा। फुल बारिश हो रही है, और ये भाई झंडा ऊँचा रहे हमारा। ये ओह माय गॉड डैम, दिल जीत लिया भाई इसने तो। लाज सल्यूट था ना इस भाई का। भाई ब्रेकफास्ट डन, अभी चलेंगे आगे माल देवता। ये था कुछ ऐसा रेस्टोरेंट, अच्छा था खाना। ब्रेकफास्ट में कुछ तगड़ा है खा लिया, पेट भर गया फुल। देखो अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है थोड़ी, देखो उस तरफ जाना है, उस तरफ। चलो चलते हैं फिर अब। It's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind. भीड़ तो देख लगी, इतना भीड़ लग गया यार। कहाँ भीड़? अच्छा भीड़, हाँ यार हमारी भीड़ भाई। 4 आदमी खड़े देखे मैंने पूरे उसमें, नदी के बीच में। यहाँ मेन चीज क्या ब्रो? अच्छा ले भाई, यो व्यू है वे उस साइड पे आए हैं, उस साइड पे। यो यहाँ का ब्यूटीफुल व्यू, ब्यूटीफुल लोग देख लो भाई। वो माल देवता कैंप भी है वहां पर, कैंप हो रहे। बस यो है यहाँ पे, हम ज्यादा एडवेंचर जगह है भाई, या तो ज्यादा एडवेंचर जगह है। यो भाई पिकनिक पॉइंट है यहाँ माल देवता। यहाँ देहरादून के बाहर के बंदे आवे हैं, और ऐसे नहावे हैं यहाँ, देख लो है पूरा सीन। ऐसा लग रहा पानी गंदा है, हम तो सोच रहे थे यहाँ नहाओगे, बारिश हो गई थी ना बहुत तेज, गंदा पानी आ गया, अब नहाना कैंसिल हो सका है।
उसके लिए मैं हमें खेद है, बड़ी दुविधा का कारण बन सकता है ये गंदा पानी। मुझे ऐसा लग रहा हम बिना नहाए घर पहुंच जाएंगे। आवाज कम आ रही होगी, नहाने का कति मन नहीं था, पानी खराब था, मैं बताऊं था देख, पर भगवान की ऐसी लीला आया, ऐसा छमछम बारिश हो गया, रेनकोट पहन लिया, वो भी भेज दिया, भीतर का भी जा लिया पानी सारे का। मैं तो सोच रहा था मैं यो लद्दाख का रेनकोट लिया था, आपने पता हो देखा हो लोग मगला बचा लेगा, पर नहीं, इससे ना हो पाएगा, ये उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, इससे तो ना हो पाएगा। चलो चलते हैं भाई, नहा तो लिए, गाड़ी में चलते हैं, वहाँ जा कपड़े चेंज करता हूँ। सो बाज गए, यो पिकनिक पॉइंट था, यो है पिकनिक पॉइंट, यहाँ नाव है, खुद है, उछड़ा है लोग, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ। चल ठीक है, कपड़े चेंज करता हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आपने देखा होगा पिकनिक पॉइंट तो अब चल पड़े घर की तरफ, 5-6 घंटे का रास्ता देहरादून तक, 210 या 215 किलोमीटर है, फिर रास्ते में सोट डालूंगा, अभी आदमी चढ़े हैं पीछे देखो। आ जाओ फटाफट, बस तू यहाँ के माल देख। चलो भाई, यो हो गया इसकी माल मात्र, मारा माल देवता में घूमे लाल है पका रहे बहन, माल माता नाम पाए माल देवता भूल बारिश हो रही है बहुत तेज है, अभी देखा होगा। अब देखो हमने मैप में डाल दिया है पानीपत बस स्टैंड, अब सीधे वहीं जाकर रुकेंगे और कितने नहीं रुकते, बतेरे घूम लिए। ये लोग आएगा कल, ठीक है, होपफुल आप इंजॉय करोगे और बने रहना, अभी तो पूरा रास्ता है, अच्छे अच्छे शॉट डालूंगा, अच्छी चीज़ें आएगी मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है, शेयर भी, ताकि ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये और भी लोगों तक पहुँच सके, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, अब एकदम से सब ठीक थोड़ी ना होता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा हर एक चीज़ में, और फिर और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे, अच्छी अच्छी जगह आगे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे नर्सरी है, भाई को ना वो सांगवान के पेड़ के कुछ प्योद लेनी थी, वो वहाँ पे मिलती नहीं है, यहाँ पे मिलते हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पे नर्सरी पे रुके हैं एक बार, तो ले रहा है वो, ठीक है, तो उसके बाद वो लेने के बाद फिर चलते हैं यहाँ से। ये देखो ये साइड में है नर्सरी, ए बंदा पेड़ लेके आ रहा है, ऐसे ही हमारे वाले भी गए हैं पेड़ लेने, उनके आने के बाद फिर चलते हैं, ओके ठीक है। उस नर्सरी में तो कुछ मिला नहीं, इतनी बड़ी नर्सरी मैंने देखी को ना कितने, बहुत बढ़िया गाड़ी अंदर आ गई, अरे देखो यहाँ तो सांप नहीं दिख रहा होगा, अंदर है पेड़ वेड़, ये देखो बहुत बढ़िया है, वहाँ से एंट्री हुई थी सामने से और वहाँ तक है सामने तक, और दोनों साइड वहाँ देखो पीछे तक, दोनों साइड फुल पेड़ अलग अलग तरह के, ये देखो बारिश हो रही है बहुत तेज, नहीं तो बोलो दिखा कर लाता हूँ, ठीक है, यार बैठ रही है चाबी है भीतर भाई,
ये प्योद यहाँ तक मिलेगा पेड़ शायद पेड़ मिलेगा यहाँ। ये देखो भाई अलग अलग वैरायटी देखे पहली बार होंगे मन ने पहली बार देखे ऐसे ऐसे वहाँ तक देखो पूरा अलग अलग नाम ही नहीं पता हमने देखा दे पेड़ का नाम पता होगा वो तो जनू लोटस है वे भी देखे हैं सकूल सकूल में लागे रहा अगर साइडा में यो भी केक्टस इसका भी रहा है और एक आधा होगा जान पहचान का बाकी सब तो अलग अलग है मस्त मस्त ये देखो फूल ये अच्छा लग रहा है भाई देखियो है मस्त पहली बार देखा होगा दूसरे जगह आएंगे यहाँ अलग वैरायटी है बता था ना पूरी लंबी है थरे प्यार में मैं ऐसे ही बनियान बनियान में आ गया यार मेरे पैर में इंजरी है उसकी वजह से मैं थोड़ा बारिश तो मैंने बचाव रखना पड़ेगा कल तक तो ठीक था लेकिन अब दिक्कत हो जाएगी या मिलेगा शायद यहाँ देखते हैं यो पेड़ है हाँ ये है देवदर का पेड़ और सांगवान है तो भाई ये देखो ये तो देख रखी है गरम हुआ अगर बेला भी लंबी ये भी सकूल सकूला मला गिरा अगर है ये जान पहचान वाले हैं तो हाँ ये जान पहचान वाले हैं नया कुछ नहीं है ना मैं राइड करने के लिए आ गया था मैं ये ट्रक है इसको निकलना था आगे ले इसको निकलवाते हैं निकल गया आई गैस निकल ही गया हाँ भाई बहुत ये देखो भाई ये मैं नुकूं सुंदरता बहुत ही ज्यादा अंधे की सुंदरता है ऐसे पेड़ तो देखे कौन भाई ने पेड़ जो लेने थे पूरी बड़ी नर्सरी है मैंने तो सच में पहली बार देखी इतनी बड़ी नर्सरी शायद ही था हमने पहली बार देखी होगी हाँ तो भाई पेड़ कहाँ अपने ये ले लिया भाई हमने शॉपिंग होगी कोई आता कुछ लेके जाता हम यहाँ पे प्रकृति से जुड़े हुए इंसान है पूरी बड़ी नर्सरी बताया था मैंने आप लोगों को रोड पे पड़ेगी हाँ आओ और लेके जाओ दो वैरायटी में कहीं नहीं मिली वो यहाँ पे मिली हाँ अब ये हटेगा तब हम चलेंगे देखो गमलों का भी पूरा कारोबार है देखो सुविधा भी सारी है अगर आपके गाड़ी गंदी हो रही है या कुछ भी तो पेड़ों के लिए अच्छी सुविधा है आइए और लेके जाइए यहाँ से राजेश्वरी नर्सरी हाँ अंकल जी किसके नाम पे नर्सरी अंकल जी की मम्मी के नाम पे पाओगी है ना अंकल जी के मम्मी के नाम पे मैं देखा गैस भी अच्छा उनकी माता का नाम है गैस भी मैंने अच्छा किया सहारनपुर पहुंचने वाले हैं देहरादून दलीगढ़ के इतना तगड़ा जाम था बड़ी मुश्किल दलीगढ़ आए मैं सड़क पैर नहीं रहा था फिर मैं कल लोकल इलाके में पैर नहीं पड़ेगी अच्छा नहीं लगता
तो यहाँ तक ये लिया और पानी वानी की बोतल चिप्स वगैरह लिए हैं, गाड़ी के पास जा रहे हैं, मैंने आगे लगा दी थी साइड में, चलो फिर चलते हैं। चिप्स लिया मैं अपनी, मैं यहाँ खा करूँ एक तो चल लेंगे आगे सहारनपुर पहुँचने वाले हैं, उसके बाद फिर सीधा घर ही पहुँच जाएंगे आज, अभी काफ़ी टाइम लगेगा कम से कम, मैप में दिखा रहा है 3 घंटे, 8 बज गए, 11-12 बजे तक पहुँच। तो भाई फाइनली पानीपत के सहारा लग गए, 4-5 किलोमीटर रह गया पानीपत, यहाँ तक गाड़ी टंकी फुल करा, चलो चलते हैं फिर आगे, फिर पानीपत घर पहुँच जाते हैं, ठीक है फिर घर जाएंगे, फिर लेट हो रहा अभी बाहर ही रूम लेना पड़ता है। गुड मॉर्निंग, रात को यार बहुत लेट हो गए थे और फिर हमने यहाँ पर रूम लिया, सीधे घर नहीं गए और फिर थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी, गाड़ी चलाता है पूरा टाइम और फिर मैं सो गया। अभी ये होटल लिया था यहाँ पे, देखो रूम, अभी चलते हैं और देखते हैं कुछ खाने का। ब्रेकफास्ट डन, ये देखो ठीक है, चलते हैं रूम में। ब्रेकफास्ट डन हो गया, अच्छा था ब्रेकफास्ट, अब चलते हैं रूम, रूम नंबर है हमारा 4 और वहां से फिर बैग उठाता हूँ घर चला जाऊंगा फिर। ये भाई बुलाया, भाई अभी स्टाफ था मास्टर की ले गए, हमारी चाबी अंदर ही रह गई और मैंने ऐसा लगा इससे भी नहीं खुल रही, दुखी हो रहा बेचारा कई देर का। खुल गया रूम, चाबी अंदर ही रह गई थी, ये हालत हो रही बैठ गई, चल फिर चलते हैं। हाँ तो भाई वहाँ तो होटल में चेकआउट वगैरह करके फिर मैं वहाँ तो आप लोगों को दिखा था मैंने होटल, और रात को बहुत ज़्यादा थक गए थे तो मैं फिर घर आ गया था सीधा, और घर आने के बाद फिर अपना आराम किया, नींद पूरी हुई 2 दिन की, वहाँ पे ऐसे आराम हुआ नहीं क्योंकि मैंने दिखा था रूम मिला ही नहीं, पूरा मंसूरी पूरा देहरादून भरा पड़ा था, वीकेंड चल रहा था उसकी वजह से। तो बस यही था, लोग आप लोगों ने देखा इंजॉय किया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही प्यार बनाए रखना और शेयर ज़रूर करना। Close till I get up. Time